नाम है सोहेल और मेरे साथ है जिन्होंने हमको आशिकी सिखाई है राहुल रॉय। राहुल, व्हाट आई टू से अबाउट टुडेज इवेंट सेविस कमिंग अप विद मिसेस इंडिया, क्या कहोगे पर्टिकुलरली पेजेंट के बारे में? आई एम वेरी हैप्पी दैट सेवी इज कमिंग अप विद मिसेस इंडिया। सेवी का मकसद हमेशा रहा है टू शो एम्पावर्ड वेमेन, वेरी पावरफुल वेमेन, एंड मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है इनके साथ क्योंकि इन 1989 दे फीचर्ड माई मदर इंदिरा रॉय एज द कवर ऑफ सेवी, एंड उनके कारण भट्ट साहब सोहर ऑन द कवर एंड मेट माई मदर, एंड बिकॉज दे मेट भट्ट साहब सॉ मी एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन आशिकी, सो आई विल ऑलवेज इन अ वे बी ग्रेटफुल टू सेवी, एंड बिकॉज ऑफ माई मदर एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस ऑलवेज पावरफुल वेमेन हैव बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल इन माई लाइफ। दिस वुमन हुज नेक्स्ट टू मी इज़ माई सिस्टर प्रियंका रॉय, शी इज़ अ पावरफुल वुमन एज फार एज आई एम कंसर्न, एंड शी इज़ डूइंग फिल्म विद मी, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, शी इज़ गुड इन मार्शल आर्ट्स, एंड नॉट बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर, शी ट्रूली इज़ अ गॉड सेंड, एंड आई विश ऑल द वेमेन इन इंडिया हु आर एम्पावरिंग देमसेल्व्स, टेकिंग द लाइव्स इन द हैंड्स एंड ट्राइंग टू डू समथिंग विद इट, सेवी इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, मिसेज इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेमेंडस प्लेटफॉर्म फॉर यू, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, and it's a fantastic, fantastic thing that they're doing, and I'm just grateful to be a part of it. What about your project? What's coming next? Your film ke baare mein jaana chahenge? Ek film release hui hai called A Thin Line, which we are doing in various places. The response has been very good. The rating has been phenomenal. I think it was about a 4.6 out of 5. Iske baad Sayoni aayegi, which is going to be released pan India. It's an action-based film. Har film mein meri 4 filmein release ho rahi hain. Har film mein main kuch alag kar raha hu, so I'm trying to make people get up and wake up and see me in different avatars, playing the leads in them, so it's going to be exciting. And work is now coming because I've stayed away from cinema for 9 years living in Australia, but the industry is good. I'm very grateful to my fans and people who want to watch me in cinema, so I'm just trying my level best with what I've got in hand, and I'm going to give you the best that I can, and I hope that I continue working like this. I love cinema, I love Bollywood because of what it's giving me, and it's made my life, and I will always, always respect and cherish what I'm getting. Yeah. What have you to say about your debut in Bollywood act? First of all, I'm very happy that I'm coming with my elder brother in my first film, and debuting with him is a great platform because bhaiya is bhaiya, which we cannot. He has seen the real stardom, तो हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, और बहुत बड़ी बात है कि मैं इनके साथ स्क्रीन प्लेस शेयर कर रही हूँ अपनी फर्स्ट फिल्म में। ये फिल्म तनवीर अहमद साहब बना रहे हैं, एंड दिस फिल्म इज़ कॉल्ड नाइट एंड फॉग, इंग्लिश, फ्रेंच और हिंदी में ये फिल्म बन रही है। इट वुड बी अ ग्लोबल थिएट्रिकल रिलीज, प्लस आई एम डूइंग वन रशियन फिल्म विच वुड बी बेस्ड ऑन मार्शल आर्ट्स। एंड भैया के बारे में मैं और क्या बोलूँ, भैया की फर्स्ट फिल्म अभी आई है आफ्टर 9 ईयर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत जल्दी आप भैया को बहुत सारे, भैया की और 4 फिल्में आ रही हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज़ कमिंग बैक, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर, बिकॉज ही डिजर्व्स टू बी देयर, एंड वी ब्रदर सिस्टर वी बोथ स्टैंड फॉर ईच अदर, लाइक आई मीन थैंक यू Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. All the best. Thank you.